हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। वर्धा स्थित काली कल्याण धाम में लोक देवता कल्लाजी राठौर एवं ब्रह्मलीन महंत भीम सिंह चौहान के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत गुरुवार 2 जून को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महंत कुलदीप सिंह चौहान एवं महंत चंद्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में हास्य व्यंग्य के कवि छत्रपाल शिवाजी गुवाड़ी, ओजस्वी कवि सुरेश बम शाजापुर, हास्य गीत व पैरोडीकार भरत पंडिया उज्जैन, हास्य कवि असीम शुक्ला इंदौर एवं पंडित मयंक मीत सागवाड़ा ने काव्य पाठ किया। हास्य कवियों ने देर रात खूब तालियां बटोरी तथा दर्शकों को खूब हंसाया। इससे पूर्व काली कल्याण धाम में सुंदर पाठ का आयोजन किया गया, साथ ही कवि सम्मेलन में उपस्थित अतिथियों एवं कवियों का महंत कुलदीप सिंह चौहान एवं महंत चंद्रदीप सिंह चौहान द्वारा स्वागत किया गया। क्या तूने सबकी दाढ़ी ऐसे ही बनाई? उसने मेरे को पलट के पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं राजस्थान प्रदेश के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर से आया हूँ। नाई ने फौरन जवाब दिया, भाई साहब तुम बहुत दूर से आए हो, इसलिए ब्रश के ऊपर थूक रहा हूँ। लोकल आदमी होता सीधा मुंह पर ही थूक देता। ये पानी की कमी है, इसलिए पानी का सम्मान हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जीवन का यौवन है पानी, सांसों का सावन है पानी, मस्ती का मौसम है पानी, सृष्टि का सरगम है पानी, पानी की हर बात सुहानी। पानी सोना चांदी हीरा मोती पन्ना माँ बस इतनी मंशा मेरी मुझको कविता बनना, माँ बस इतनी मंशा मेरी मुझको कविता बनना। कोयल कर दो मेरी बोली, हालांकि नहीं था पर कोशिश कर रहा कि कोयल कर दो मेरी बोली मधुरम मिश्री गोली, जिसको सुनकर झूम उठे जी श्रोताओं की टोली। मेरे मन में बहता जाए, मेरे मन में बहता जाए गीत गजल का झरना, माँ बस इतनी मंशा मेरी मुझको कविता बनना। घर आंगन में भर दो मस्ती कि घर आंगन में भर दो मस्ती, हरियाली खुशहाली प्यार बसाओ सबके तन मन, रहे न कोई खाली। कागज कलम दवात भरोसे कि कागज कलम दवात भरोसे, मेरा जीना मरना माँ बस इतनी मंशा मेरी मुझको कविता बनना। माँ बस इतनी मंशा मेरी मुझको कविता बनना। छंद छंद मकरंद बना दो कि छंद छंद मकरंद बना दो। माँ के चेहरे की आभा ललित ललाम है, माही मक्का मदीना है, माही खून पसीना है, अनमोल नगीना है, माँ तुझे सलाम है। गीत कविता गजल माँ के आशीषों का फल, शाही पाक गंगा जल कलम कलाम है, और सारे जग की विधाता सबसे तू बड़ी दाता, माँ तेरे ही गुण गाता शिवाजी गुलाम है, माँ तेरे ही गुण गाता शिवाजी गुलाम है। और तभी विचार करता हूँ शिवाजी कौन है, तो शिवाजी मोस छत्रपाल शिवाजी मारो नाम है। मैं सब परिचय करावी थी तो मारो केड़ी भी नहीं कराई हूँ। खैर आशारे कविये ने पाप लगेगा, मेरे ने बारा में बोला पर मारा बारा में कोड़े ने बोली हुए। और माँ सरस्वती की वंदना हुई, इसने गा करके करी, अपन को गाने का काम नहीं आता है, क्योंकि जिसके पास गला होता है सुर होता है वो गाने का काम करता है, लेकिन जिसके पास सुर नहीं होता है यानी कि जो असुर होता है वो केवल बजाने का काम करता है, और अपन केवल बजाने का काम करते हैं। और मैं कोई ढोलक तबला हारमोनियम बांसुरी नहीं बजाता हूँ, मैं केवल बारे बजाता हूँ, और उन लोगों की बारे बजाता हूँ जो अपने देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ताली बजाओ। आखिर अंतर आम साले का हूँ मन तो देखते दिख लगी, मैं तरह 10 रुपया काढ़ी डाल दी था विशा कवि करे क्यों, एने भी 10 रुपया, तीसरा कने, चौथा कने, लास्ट एम पेटो तो एने कने क्यों, शक्ल देखी पास उतरी पड़े तरत। अरे मारू दिमाग खराब, मैं तो हमारा सब कने 10-10 रुपया लेके आने कने के नहीं लेता, मेरे पास आ जाए भाई आहो गड़बड़ है, हमारा सब कने पैसा लेकर आने कने के नहीं लेता है, ती कह वाला स्टाफ वाला कने नहीं लेता है। एटले धीरे धीरे जरा कवि सम्मेलन रंग में आवेगा, रस में आवेगा,
और एक मास्टर आज की है एनी स्कूल है जब आप बाबजी की स्कूल है ना कल्याण विद्या विहार एम पंडित मयंक मित्री भी स्कूल है कुआ में श्रीजी पब्लिक स्कूल सोरा ने भणबा भी काम करे हमें तमने खबर है ना ना सोरो रहे के एने स्कूल में टिप्पण खावा में घो जोर आए एने टिफिन पैक कर आला पैक ने पैक पासो लावे या घो सोरा वाटे वही थी तेमने भी एक दड़ो रहे रिसेस में सोरा बैठा बैठा टिप्पण खाई रहे सब आ एक सोरा का नहीं क्यों एक सोरो टिप्पण ने खाई गई पूरा खावा पड़ी हुए आने जाइने पूछो सोरज बेटा खावा केम ने खाता है सोरो कह वाला को मार सा भाव तो नहीं है तो मैं मीते साक्यू सरक बटको और घो हवा दी लगे आने धीरे धीरे है तो टिप्पण साफ करी क्यों पूरा टिप्पण खाई क्यों अब खाता तो खाई क्यों भाई ने खमकाई क्यों घबराई क्यों क्या है तो टिप्पण तो वो खाई क्यों बस सोरा ने कह वाला को बेटा घेरा जाए मम्मी ने कह ना कि टिप्पण मो खाई क्यों तो सोरो कह वाला को ठीक है मारसा तुम्हारा नाम नहीं लूंगा थाने पूछे तारे हो कहेगा तो घेरा मम्मी ने जाए तो कोई ना मारसा वो कही दूंगा स्कूल में कूदरो तो है तो टिप्पण खाई क्यों एट्ले सोरा घड़े खतरनाक रहे खैर आइए धीरे धीरे कवि सम्मेलन का पीछे जो कवित्री के रूप में भरत पंड्या बैठा है उसे ही भूल गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत लंबी यात्रा करके मुझे मध्य प्रदेश से यहां आना पड़ा। और भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे ही महाकाल राजा उज्जैन की नगरी से सागवाड़ा की बस में जैसे ही बैठा, एक बस पे एक मैडम एक कुर्सी पर बैठी थी। जैसे ही मैं बस के अंदर चढ़ा, उसने अपना पर्स हटाया, उसने कहा कि बैठ जाइए। मैंने कहा मामला सही साथ है। मैं उस सीट के ऊपर बैठ गया। अब जैसे ही बस चली, कंडक्टर आया, उसने कहा कि भाई साहब कहाँ जाना है। मैंने कहा सागवाड़ा। मैंने 500 का नोट टिकाया, उसने 500 का ही जेब में रख लिया। मैंने कहा भाई साहब 250 लगते हैं, तब भाभी जी साथ में है ना। और मैंने कहा यार गलत फेमी में गलत रिजल्ट आने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है 250 से निपट गई, कोई बात नहीं। इनने भाभी जी कह दी, इतने में अपन संतुष्ट हो गए। उस बस में आगे से एक आइसक्रीम वाला चढ़ के आ गया, काजू बादाम की आइसक्रीम, काजू बादाम की आइसक्रीम। मैंने कहा भाई साहब देना। तो जैसे उसने आइसक्रीम एक की जगह दो निकाली, मैडम को भी एक फंसा दी। मैंने जैसे ही 100 का नोट निकाला, मैंने कहा भाई साहब लीजिए, उसने कहा कि बराबर हो गए। मैंने कहा वो कैसे तक, भाभी जी भी देना साथ। मैंने कहा क्या बात है यार, ये सब के सब लोग मेरे पीछे पड़े। भाई साहब उज्जैन से लगाकर सागवाड़ा तक आ गया, बंदे की 500 से फाइल निपट गई, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। क्योंकि जमाना आज का बहुत खराब है। अपन तो मौज मस्ती के कवि हैं, लेकिन यह एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है भाई साहब। ये ही हाँ अपन पूरी रात भर कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज अपन एक ऐसे संस्कृति के मंच पर बैठे हैं, ये छत्रपाल और मयंक मीत। अब इनने कम से कम 5 दिन 8 दिन पहले मेरे को बोल दिया था कि सागवाड़ा में कवि सम्मेलन है। कोई बम साहब आप 24 घंटे व्यस्त रहते हो, सारे देश भर की यात्रा करते हो। जैसे इनने बताया, मैं तो साहब वो बात भूल गया, लेकिन कल रात को 12:15 छत्रपाल और मयंक का मेरे पास में फोन आया। मैंने जैसे घड़ी में टाइम देखा, रात को 12:15 बज रही थी। मैं अर्ध चेतन अवस्था में सो रहा था, जैसे ही मैंने फोन उठाया, उस पे लिखा मयंक मीत। मैंने कहा यार रात के 12:15 बजे इस मयंक मीत को क्या जरूरत पड़ गई। मैंने हड़बड़ा कर इसका फोन उठाया, मैंने कहा बोलो मयंक, इस बम की जरूरत रात को 12:15 बजे कैसे पड़ गई। इन्होंने कहा कि बम साहब कल आपको सागवाड़े में फटना है। अरे मैंने कहा यार कम से कम टाइम टेबल देखकर तो फोन लगाया करो। रात को 12:15 बजे आदमी ना मालूम किस कंडीशन में होता है। मैंने कहा मैं फट तो सकता हूँ, पर ये बताओ कि इस बम को फोड़ने के लिए फुलझड़िया कितनी मंगवाई। ये छत्रपाल और दोनों शांत तो हो गए।
क्योंकि बमसा बजट बहुत कम था, इसलिए एक भी फुलझड़ी आपके सम्मान में नहीं मंगाई गई है। कमेंट की ये बम कभी भी नहीं फूट सकता, बाकी हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको कल सागवाड़ा पहुंचना ही है, मैं इनका पहुंच सकता हूं। ये बताओ कि कार्यक्रम में कौन कौन आ रहे हैं? इनने भाई साहब नाम बताया, इंदौर से असीम शुक्ला, मैं इनका तब तो बहुत बड़े बजट का कार्यक्रम है। और कौन आ रहा है? इनने कहा कि उज्जैन से भरत पंड्या, हास्य का पैरोडी कलमकार। मैं इनका एक काम करना है यार छत्रपाल, इन दोनों से मुझे 200 रुपये कम दे देना। तो ये पट्टा बोला कि वो तो 100 रुपये में ही आ रहे हैं, मामला देखना। अपन तो माहौल को बनाना जानते हैं भाई साहब, अपना मौसम ही 45 मिनट में बनता है, पर आज बिना फुलझड़ी के ही बनाना पड़ेगा। मैं आपसे एक से भी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ, कोई ताली बजाने के लिए यहाँ थोड़ी बुलवाया गया है। 4 पंक्ति से मैं आपको रिचार्ज करना चाहता हूँ, और मैं एक बंदे से भी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ। अगर माल असली होगा तो गली में जाकर बिकेगा, वही माल स्टैंडर कहलाता है दोस्तों। और 4 पंक्ति से मैं आपको टटोलना चाहता हूँ कि आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं, कि आप और हम किसी संजोग से बैठे हैं। ये मानो कि हम बहुत बड़े मनोयोग से बैठे हैं, और ताली बजाकर इतना बता दो यारो कि यहाँ मुर्दा लोग नहीं, जिंदा लोग बैठे हैं। बहुत बढ़िया, लग गया कि राजस्थान के पानी में बहुत दम है, इसीलिए तो आया बम है। ये तो आता ही कौन? अब ये भाई साहब तक वो मोहल्ला वो जागृत लग रहा है, और मेरे को ऐसे मोहल्ले की सत्ता इसी घुल जाए। आज की रात हो ऐसी कुछ बात के कानों में मिश्री इसी घुल जाए, और ऐसा लगा इस धाम में आकर कृष्ण के धाम सुदामा जी आए। ऐसा लगा इस धाम में आकर कृष्ण के धाम सुदामा जी आए। बहुत घनघोर तालियां आपने बजाई, मेरी 17 पीढ़ी आपकी ऋणी हो गई, और मैं निवेदन करता हूं साहब, अब मैं कवि सम्मेलन शुरू करने का प्रयास करता हूं। आप सब लोगों ने, छत्रपाल जी ने, मयंक जी ने, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया है, तो मैं वहीं से 4 पंक्तियां फिर निवेदन करता हूं। सुनिएगा कि प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। आपका आशीष मिले, मन चाहे फीस मिले, समस्याएं एक नहीं 4 लेके आया हूँ। और पेमेंट में थोड़ा मेरा ध्यान रख लेना, आपको किराए के पैसे उधार लेके आया हूँ, किराए के पैसे उधार लेके आया। और आदरणी में सच्ची बातें बताता हूँ, मैं उज्जैन बस स्टैंड पर खड़ा, एक भिखारी आया, बोले बाबूजी 20 रुपये तो चाय नाश्ता करूँगा। मैंने कहा 1 रुपया नहीं है। बोले चल मेरे साथ शाम तक भीख मांगना, 400 रुपये दूंगा। ये स्थितियाँ होती है साहब, पर बहुत देर से बम साहब प्रयास कर रहे थे कि ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ है। मैं निवेदन करता हूँ कि ये तो वर्धा के लोग हैं, आप इनको ज़्यादा ताली बजाने का बोलो तो ये कवि को साइड में ले जाके बजा सकते हैं, तो इनसे आप इस प्रकार की उम्मीद मत करो। तब मैं निवेदन करता हूँ, 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, और ऐसे 4-4 कह करके मैं 40 नहीं सुनाता हूँ, केवल 4 ही सुनाऊंगा। कि बच्चे भी बजाएंगे, बड़े भी बजाएंगे, नौजवान साथी मेरे संग झूम जाएंगे। बच्चे भी बजाएंगे, बड़े भी बजाएंगे, नौजवान साथी मेरे संग झूम जाएंगे। रात रात जाग लिख लाया हूँ कविता, आज ऐसे कैसे आप अपने घर भाग जाएंगे। और सुन लोगे अगर तुम भरत की कविताएं, कुंवरों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, कुंवरों के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। और निवेदन करता हूँ साहब, हास्य से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो जैसे ही आपके गांव में प्रवेश किया, कुछ बच्चे मुझे गाय भैंस चराते हुए मिले। मैंने एक लड़के से पूछा, बेटा तेरी भैंस दूध देती है? बोले नहीं अंकल जी, निकालना पड़ता है। अरे मैंने कहा यार कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आदरणी मैंने दूसरे
से पूछ लिया तेरी शादी हो गई? बोले अभी तो पिताजी कुंवारे हैं। मैंने कहा ये और उस्ताद है साहब आदरणीय, मैंने रे गई गिल की कुंवारी, नींबू अदरक धनिया मिर्ची सब रो रहे बेचारे, आधे वेंटिलेटर पे आधे अल्लाह को प्यारे, मेथी पालक भी पड़े बेहाल के छोरा, सब्जी बेचन वाला बेच बैंगन काला काला। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। ये शनि महाराज आ गए हैं, आइए शनि देवता, आइए प्रणाम करते हैं आपको। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा अभी हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं साहब, वो ग्राम पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। तभी क्या हुआ साहब चुनाव में कि वोट मांगने के लिए नेताजी एक रात को 12 बजे आ गया। बोले अब तेरी भाभी खड़ी है, इसका ध्यान रखना है। तो मैंने कहा यार मैं चुनाव कितनी तारीख को? बोले 7 जुलाई को। मैंने कहा 7 जुलाई को तो मैं कवि सम्मेलन में जाऊंगा, तू तो वोट आज ही ले जा। ऐसी स्थितियां होती। अच्छा और बड़े बड़े नेताजी आने लगे, गांव में भाषण देने लगे आदरणीय। बोले भाइयों और बहनों अब आपके गाँव में विकास होगा, भाइयों और बहनों अब आपके गांव में विकास होगा। एक महिला खड़ी थी 3.5 साल का बच्चा लेकर के, उधर से बोली पीछे से कि नेताजी पिछले चुनाव में भी आपने यही कहा था कि विकास होगा विकास होगा, पर ये राधा हो गई। ये समझ में आ गई हो तो ठोक दिया करो थोड़ी। तब निवेदन करता हूं कि तुम तो ठहरे नेताजी, तुम तो ठहरे नेताजी, विकास क्या कराओगे? लड़ रहे हो क्या चुनाव? तुम तो ठहरे नेताजी, विकास क्या कराओगे? सुबह पहली फ्लाइट से दिल्ली चले जाओगे, जब तुम्हें चुनाव में याद हमारी आएगी, जब तुम्हें चुनाव में याद हमारी आएगी, छोड़कर काम सारे गांव चले आओगे। तुम तो ठहरे नेताजी। अच्छा क्या हुआ, अभी पिछले दिनों चेन्नई कवि सम्मेलन यात्रा करने का शुभ अवसर मिला। मैं 7 दिन में आदरणीय घर आया, जैसे ही घर आया बैग रखा, मेरी बेटियां आकर के मुझसे लिपट गई, कहने लगी पापा आप घर में नहीं होते हो तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतने में मेरी सगी पत्नी आ गई, कहने लगी सच कहूं आप घर में नहीं रहते हो तो घर खाने को दौड़ता है। मैंने कहा जब मैं घर में रहता हूं तो तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अजीब स्थितियां होती है सब। अच्छा आजकल क्या है, मोबाइल का युग है, मोबाइल से ही वार्तालाप हो जाता है। अभी हम पति पत्नी दोनों में कुछ दिन पहले झगड़ा हो भी हो गया था, वो इंदौर चली गई। एक बात बता दूं कि मेरा ससुराल भी है इंदौर में। तो होता क्या है, मेरी सासू माँ भी मुझे लाड़ प्यार से रखती है, जब भी कभी सम्मेलन होते हैं तो मैं वहीं से अटेंड करता हूँ। अभी पिछले दिनों में 7 दिन तक उज्जैन में ही रहा, इंदौर में ही रहा, और वहीं से कभी सम्मेलन अटेंड किए, तो मेरी सासू माँ ने मुझे 6 दिन तक मेथी की सब्जी बना के खिलाई। और 7वें दिन बोली, बोले जमाई साहब आपकी पसंद की कोई सब्जी हो तो बताओ। मैंने कहा आप तो मेथी का खेत बता दो, मैं वहीं जाके चढ़ लूंगा। अच्छा और 8वें दिन मेरे को विदा करने ही आदरणीय, तो एक प्लेट में कंकू चावल और 100 का नोट रखा, तो ब्राह्मण होने के नाते मैंने पूछ लिया, मैंने कहा माता जी मैं मुंह किधर करूं? बोले अपने घर की तरफ ही कर लो। तो पिछले दिनों ऐसा हुआ, अब फोन पर बातें हो जाती थी हालांकि बातचीत बंद थी, तो एक दिन बातचीत हुई, उस बातचीत में प्रतिगीत बना, मैं निवेदन करता हूँ कि रोज लगाओ फोन भले पर लेने मत आइयो, रोज लगाओ फोन भले पर लेने मत आइयो, मैं पप्पू संग भाग जाऊंगी तुम देखते रहियो।
तो अपन ने भी आगे और बढ़ाया। मैंने कहा कि तू पप्पू के संग जाएगी, मैं पप्पू की ले आऊंगा, तू पप्पू के संग जाएगी, मैं पप्पू की ले आऊंगा, तू दूल्हा उसे बनाएगी, मैं दुल्हन उसे बनाऊंगा, ना तुम जाओ ना मैं लाऊं, दोनों मिलकर के रहियो, मैं ट्रेन में बैठ के आती हूँ, तुम लेने मत आइयो। देखो ऐसे ऐसे मत बैठो जैसे तुम मैं। पीएम नरेंद्र दास मोदी, तूने चीन और पाकिस्तान की कब्रें खोदी, तारीफ तेरी निकली है दिल से, पीएम नरेंद्र दास मोदी, तूने चीन और पाकिस्तान की कब्रें खोदी, तेरे चरणों में वंदन, लगा माथे पर चंदन, बिना ही समय गवाए ले आए तू अभिनंदन, उड़ाई रात में फ्लाइट, कर दी सर्जिकल ट्राइक, ले ली कईयों से टक्कर, हटाई 370, ले ली कईयों से टक्कर, हटाई 370, तू मंदिर भी बनवाए, तू मंदिर भी बनवाए, रघुवर घर को आए, कई मुल्कों को तूने ले लिया गोदी, तूने चीन और पाकिस्तान की कब्रें खोदी। बहुत बहुत बहिरुआ तो सामने का रखा देना, आदमी ना होगा ने सोरो आज पोसा नहीं करेगा, तो सूर्य ना होगा ने जेने देखी सेटिंग होगा, हाँ सूर्य आज पोसा करेगा जेने देखी ने सेटिंग होगा ना होगा ने बोले कलमत कला राठौड़ की आयो परिवर्तन आज रोड का है भाई, हाँ आवा करवास पड़े तो काम आ आना देश में सब टोटका अलग अलग असर है। अपने ना आ सुंदरकांड करी रहता था, अपने हनुमान चालीसा में काम पटाई तो भी ना नहीं काम आ, पूरी सुंदरकांड करवो पड़े, आप જે એનો કર્મ લીધું હોય આપણે પૂરું કરવું પડે, એટલે હું બાવણ આદમી રહ્યો અધૂર અર્થે કરતા, આ બી બાવણ આદમી રહ્યો એ બી અર્થે કરતો, આદમીને ઘણી ઘણી ટેન્શન રહે, આપણે 10 મિનિટ પૂરી ટેન્શન થઈ કે બાંધને લઈ જજો તમે, આપણે ઘણી ટેન્શન હે, તમે દેખું માન લો બાઇક લઈને જઈ રહ્યા આપણે સાઈડ મેં માન લો ગલતી થી કે આપણું સ્ટેન્ડ છૂટું રહી જાય, તો અમે દેખી જેટલા આના ભાઈ સાહેબ તમારો સ્ટેન્ડ, ભાઈ સાહેબ તમારો સ્ટેન્ડ, ભાઈ સાહેબ તમારો ગારંટેડ, જબ તક તમે સ્ટેન્ડ ને લોગા તબ તક કહેંગા, હર વ્યક્તિ ટેન્શન મેં, દેખો માન લો બાઇક લઈને જઈ રહ્યા આપણે, हमें देखिए मान लो आप कोई भी सही जा लाइट चालू रही जा हमें वो जितला लेना भाई सब मजा आवे तालियो गाड़ो एम ने काम भाई सब કેટલી ઘણી ઘણી ટેન્શન રહે, દેખો ઘણી પ્રકારની ઘણી ટેન્શન રહે, હવે હું બાઇક લઈને જઈ રહ્યો હતો, મારા પછાડી મારી શ્રીમતી બેઠી હતી, હવે અમે બરાબર 50ની સ્પીડમાં જઈ રહ્યા હતા, આરામથી પુલ પાર કરી રહ્યા હતા, એટલે અમે 60થી કે એક સ્પીડમાં 60ની સ્પીડમાં ગાડી આવીને ભાઈ સાહેબ ગાભીજીને હાડી ઉડી રહી છે, એને કેટલી ટેન્શન, દેખો ઘણી ટેન્શન ઘણા પર થઈ ગઈ, એક વખત હું થયું હવે હું ત્યાં સુરેશ બમ ઘણી મોટી હાથને એટલા ઘાડા કરીને બમ ફટ્યા હતા, આપણે તો એટલું રહેવા જ નહીં, આજે એકદમ ક્રમ બી બદલી નાખ્યો કે અગાડી દેખી પસાડી કે અગાડી બમ ફૂટ્યો, આપણે વેસે ફૂટવાનો પૂરી કોશિશ હતી પણ ઘણી ટેન્શન રહે, હવે હું છું એક દાડો અમે ની બે કારમે બની ગયા, દેખો ટેન્શન કીધી પેદા થાય, દેખો તમે ટેન્શન કીધી પેદા થાય તમને બતાડો, હવે અમે કાર લઈને જઈ રહ્યા હતા 10 કિલોમીટર અગાડી નીકળ્યા ને એક મેડમે હાથ માર્યો, સુરેશજી કીધું યાર આપણે વેવડાવી દો કેમ, મેં કીધું વેવડાવી દો આપણે શું એમ, ચલો બેવડાઈ દીધી, હવે 5-1 કિલોમીટર અગાડી ગયા એટલે પેલી બાઈક બેહોશ થઈ ગઈ, આ સુરેશજી ગભરાઈ ગયા, મેં કહ્યું હવે હું થાય થાય યાર, મેં કહ્યું આપણે યાર આપણું ઇન્સાનિયતનું ફરજ તો નિભાવવું જ પડે, કાં મેં શું કરે, મેં કહ્યું હોસ્પિટલમાં લઈ જાઉં, હવે અમે બે જણા હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, થોડીક વાર થઈ ને પેલી હોસ્પિટલમાં મેડમ માંડ્યા બધાઈ હો, આ સુરેશજી કઈ ઘણી વાત તો બધાઈ, મેં કહ્યું બધાઈ હો આપ બાપ બનને વાલે હો, મેં ના ના મોટું થઈ શકે બાપા 10-10 મિનિટ જાય યાર, મેં કહ્યું ટેન્શન કીધી કે કેવી મળી શકે, અને કીધું યાર એવું થઈ શકે મહેક મિત્ર આપણે કોઈ આઈડિયો લગાડવો પડે કે હું આઈડિયો લગાડા, આપણે કહીએ ડીએનએ રિપોર્ટ કરાવો, ડીએનએ રિપોર્ટ કરાવી, અડધા ઘંટા પછી ડીએનએ રિપોર્ટ આવી, ડીએનએ રિપોર્ટ મેં શું કે હું થયું ભાઈ ડીએનએ રિપોર્ટ બતાવે, એવું કહ્યું કે તમે તો બાપ બની નહીં શકતો, અને થોડીક શાંતિ પડી, યાર મને તો બાપ બની શકતો નથી યાર, બધામ કરી નાખ્યો મને આમ તો આમ તો આ મુકો જણાવું ને ભેડું ને, હવે હોસ્પિટલ થી પગથી ઉતરતા હતા ફેર ટેન્શન, મેં કહ્યું હવે હું છું એમ યાર ઘેરે બે કે ના મજા આવે ને તાલીઓ કરે
આ ઘણી પ્રકારની ટેન્શન હે ભાઈ સાહેબ એક દાડા બે આદમી સ્વર્ગ મળ્યા किचन फोड़ी नाख्यो बिस्तर फोड़ी नाख्यो पेलो फोड़ी नाख्यो मैंने यार भैरा मैं टेन्शन थी गई एट मरी गो यार हम तो अर्थे मरियो पेलो कहीं हूँ ठंड थी मरी गो ठंड थी अर्थे मरियो तो बिस्तर फोड़ी नाख्यो किचन दीखी नाख्यो सब चीज दीखी नाखी तो कम से कम फ्रीज खोली तो दीखी लेता है कम से कम नौ तो ठंड थी मरता हूँ ठंड टेन्शन थी मरत आ घनी प्रकार की टेन्शन है भाई साहब आई टेन्शन अपने पास चलती रहेगा हमारे बाद शिव शुक्ला काव्य पाठ करेंगे देखो आज भी बिल्कुल बोरा अपने हरते बोरा प्रैक्टिकल करके बता दें माता है बहने बेटी आदरणीय गुरु जी आप केवल टेंशन वालों थोड़ा सा बाहर निकलेगा आज भी बिल्कुल बोरा पैसा हरते बोरा ही मैं प्रैक्टिकल कर बताऊंगा मजा आएगा तो ताली वगाड़ो नहीं क्या अपने आदमी हरते बोरा मान लो अपने आज की घना आदमी पोएट से अपने बम्बई से मान लो बे महीना चार महीना देखो प्रैक्टिकल यदि आदमी बोरा हो तो ताली वगाड़ो अपने मान लो बे महीना चार महीना बम्बई के अहमदाबाद के कमावा था तो आप कह रहे थे काम वो आदमी होगा कहते हैं देख अपने बबीता रे घेरे एक लिए बराबर ध्यान रखते इन्हें जरा भी टेन्शन नहीं था जो है ने आना सीन ने भाई साहब उल्टू कर दो अपने बहरू मान लो चार दाड़ा प्योर था तो आप कह रहे थे काम भरियो कहीं कहते चार दाड़ा आवे ना तो इन्हें जो कुटू ही फूटी लेंगे मजा आवे देखो भाई साहब मजा आवे तो बात करें आदमी आदमी हर तो बुराई बीजू प्रैक्टिकल करी मजाड़ेगा देखो अपने मान लो भारत में सबसे पहले नाम कमाया पार्ले जी भारत में सबसे पहले नाम कमाए सर्फ सिर्फ इतनी है आखिरी कप के रूप में तो आपकी ऊर्जा जितनी होगी उतना इधर से मशीन चल पाएगी क्योंकि इस कल सम्मेलन की भाई सब हालत ऐसी हो गई है आपने गन्ना से रस निकालने वाली मशीन देखी होगी तो महंत जी जब उसमें वो मैकेनिक पहली बार गन्ने को डालता है तो रस भलभला के निकलता है फिर उसको दोबारा डालता है मशीन में तो फिर हल्का आधा रस आता है फिर वो पट्टा उन दोनों गन्नों के बीच में नींबू फंसाता है तो थोड़ा सा रस आता है अब मैं उसमें पुदीना फंसा रहा हूं और अगर आपने ढंग से ताली नहीं बजाई तो मेरा हाथ आ जाएगा मशीन में सारा रस तो ये पी गए माता फोड़ी करके तब आनंद लीजिएगा कि भारत सही व्यक्ति तक अगर मैं पहुंच जाऊं तो फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूं मान जी तक बात पहुंचे कि भारत में सबसे कहीं आपके अगर परंपरा को व्यक्ति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति के सम्मान में भी आश्रम में नहीं बजेगी तो कहां बजेंगी कि भारत में सबसे पहले नाम कमाया पार्ले जी उसके बाद फिर नाम कमाए हमारे प्यारे मोदी जी उसके बाद फिर नाम कमाए हमारे प्यारे मोदी जी इसके बाद लगा कि ना पाएंगे कोई और जी इसके बाद लगा कर तैयार रखिएगा तालियां इसके बाद लगा कि ना पाएंगे कोई और जी इसके बाद लगा कि ना पाएंगे कोई और जी तभी बुलडोजर चलाते आ गए हमारे बाबा योगी जी तभी प्रणाम करता हूं मैं आपकी ऊर्जा को और आपकी चिंतनता को मतलब इतने प्यारे श्रोता आप लोगों को मैं तो सपोर्ट करने का मेरा मन कर रहा है और क्या है कि मैं बता रहा हूं राजनीति अपनों को बात नहीं करनी आदरणीय मोदी जी हां जी जब पहली बार चुनाव जीते थे 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत से जब सरकार मिली थी तो सांसद का जैसे उन्होंने चरण स्पर्श किया तो उन्होंने पहला ही भाषण दिया आप लोगों ने उस सब भाषण सुने होंगे जुड़िएगा गन के साथ जुड़िएगा और ठाकुर आनंद दीजिएगा आपको हंसाने के लिए मैं आया हूँ पहला ही भाषण मोदी जी ने क्या दिया था गुरुदेव भाइयों एवं बहनों मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना कुछ खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा भाई साहब दिया था पहला भाषण इसके बाद वो राजस्थान में जयपुर में आए रैली में तो क्या भाषण दिया भाइयों एवं बहनों स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाइए घर घर शौचालय बनवाइए अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ना कुछ खाएंगे ना किसी को खाने देंगे क्या करेंगे इतने शौचालय को ढंग से बजाइए यार समझ में आ रहा हो तो अच्छा इससे भी बड़ा काम हुआ एक और करते हैं किसी भी भाजपा के मंजी मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह आप देखिएगा कहीं भी हो हालांकि आज तो हर जगह उन्हीं का हो रहा है कहीं ऐसा बचे ही नहीं है कहीं भी होगा तो दो व्यक्तियों को अपने साथ मोदी जी जरूर लेके जाते हैं एक हमारे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी एक लालकृष्ण आडवाणी जी फिर उनको वो सामने बिठाते हैं फिर वो मंच पे आते हैं फिर वो क्या भाषण देते हैं भाइयों एवं बहनों आज मैं जो कुछ भी हूं इन दोनों की वजह से हूं और ये जो कुछ भी है
आनंद है अपन इतना काहे को राजनीति का लौट लोग, अपने को नेता नगरी करनी है। हमने को तो केवल ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है और आप जैसे प्यारे श्रोताओं को कविता कौन सा दमाद मुझको ज्यादा पसंद करता है, तो हमारे यहाँ छिपरा करके एक नदी है उज्जैन के पास, पावन तट है छिपरा जी का। तो सासू माँ पहले वाले हमारे बड़े वाले भाई साहब को लेके गई और नदी में कूद गई, तो पहले बड़े भाई साहब ने उनको कूद के नदी से बचा लिया, तो उनको वो 13-1 लाख रुपए वाली होंडा सिटी कार दिलवा दी। इसके बाद दूसरे साढ़ू भाई के लेके गई, सासू माँ फिर नदी में कूदी तो दूसरे साढ़ू भाई ने बचा लिया, तो उनको वो 7-8 लाख रुपए वाली स्विफ्ट डिजायर कार दिलवा दी। इसके बाद हमारे तीसरे भाई साहब को लेके गई, डोकरी नदी में कूदी, उन्होंने भी बचा लिया, तो उनको 3-4 लाख रुपए वाली इयॉन गाड़ी दिलवा दी। इसके बाद मेरे को लेके मेरी सासू माँ नदी में गई, गुरुदेव नदी में छलांग लगाई, मेरे को लगता तो पानी से डर, मैंने नहीं बचाया। समाज घर आया तो ससुर ने 32 लाख की फॉर्चुनर दिलवा दी। सब जम जाएगा धीरे धीरे करके। शिवाजी ऐसे बैठे हुए हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो, शुरू से लेके माथा फोड़ी। आइए बम जी ने शुरुआत की, और बम जी का मेरे क्या काम है, ये फटते बहुत कम ही जगह, ज्यादा जगह फुस्सी होते हैं। ओपनिंग के कवि हैं, पूरे देश में यात्रा करते हैं और पूरे देश में ये क्या ओपनिंग में फेमस हो गए, गुरुदेव इतने ब्रांडेड ओपनर हो गए हमारे ये बम जी की, मतलब इनके कॉलोनी में शाहजहापुर में कोई नई गाड़ी खरीदता है तो ओपनिंग के लिए इनको बुलाते हैं, कोई नया घर खरीदता तो ओपनिंग के लिए इनको बुलाते हैं। तो पड़ोस में एक कवि जलता था तो उसने बगल में शमशान घाट बनवा दिया, भाग गए। कुछ लोगों को आ गई, कुछ को परसों आएगी, फिर वो 3 बार हंसेंगे। पहली बार तो भी हंस दिया।